नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। महोबा, गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा में जुड़े हजारों किसानों और कांग्रेसियों को 200 मीटर चलने के बाद पुलिस ने रोका। प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेजा गया, जबकि भारी भीड़ को पुलिस ने लाठियों के बल पर खदेड़ दिया। उप जिला अधिकारी राजेश यादव और सीओ सदर कालू सिंह के नेतृत्व में करवई के मुख्य चौराहे में तैनात भारी फोर्स ने पदयात्रा के आते ही आने जाने से रोक दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य कद्दावर, युवा नेता सागर सिंह सहित सभी प्रमुख नेताओं को कवरई के मुख्य चौराहे के पहले ही गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज सुबह 10 बजे से ही युवा नेता सागर सिंह के नेतृत्व में अशोक लीलैंड के वर्कशॉप में किसानों और कांग्रेसियों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। भीड़ के जोश को देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। महोबा सहित विभिन्न थानों के फोर्स वर्कशॉप सहित मुख्य चौराहे में ही तैनात कर दिया गया। शुरुआत में पुलिस फोर्स ने वर्कशॉप के मुख्य गेट को बंद कर कार्यकर्ताओं और किसानों को बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन भारी भीड़ और कांग्रेसियों के जोश के सामने पुलिस की भी एक ना चली और कार्यकर्ता गेट खोलकर नारेबाजी करते हुए पदयात्रा पर निकल पड़े। हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़ को प्रारंभ स्थल से 300 मीटर की दूरी पर सीओ सिटी के नेतृत्व में मौजूद भारी पुलिस बल ने रोक दिया और प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं भारी भीड़ पर लाठीचार्ज कर तितर बितर कर दिया गया। सीओ सिटी कालू सिंह ने बताया है कि पदयात्रा के आयोजकों को जिले में 144 धारा लागू होने की जानकारी देकर पदयात्रा पर रोक लगा दी गई थी और शांति भंग करने की आशंका के चलते पदयात्रा को भी रोक दिया गया। कांग्रेस के युवा नेता सागर सिंह की लोकप्रियता आज गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा में उमड़ी किसानों और युवाओं की भारी भीड़ से साबित हो गया। एक समय तो भीड़ के समक्ष पुलिस बल भी निसहा नजर आया। कांग्रेसियों और किसानों को अशोक लीलैंड के कार्यशाला में रोके रहने में पुलिस बल को खासी मशक्कत करनी पड़ी। धक्का मुक्की के दौरान एक पुलिस का सिपाही घायल भी हो गया, जिसे मौके पर मौजूद पत्रकार ने बैंडेड लगाकर खून रोका। किसान पद यात्रा की कवरेज कर रहे पत्रकार को भी पुलिसिया कोप का सामना करना पड़ा और कांग्रेसियों की गिरफ्तारी के दौरान कवरेज कर रहे एक दैनिक अखबार के संवाददाता पर भी पुलिस ने गिराकर लाठियां भांजी। गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा का नेतृत्व सागर सिंह ने किया। इस दौरान महासचिव रोहित चौधरी, लल्लू साहू, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष छत्रपाल चौधरी, जिलाध्यक्ष तुलसीदास, अखिलेश, ब्रजराज सिंह, संतोष कुमार धूरिया मौजूद रहे। ये सरकार गाय को मचाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही है। पहले से कॉल थी कि वो गाय बचाओ अभियान के तहत वो हमीरपुर और महोबा होते हुए बांदा जाने का कार्यक्रम था। उसी के क्रम में ये लोग अशोका लीलैंड जगह वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे। इनको पहले ही इस संबंध में सूचित किया गया था कि कोरोना भी चल रहा है और बाकी चीज़ें हैं, 144 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने, इकट्ठे हो गए, लेकिन फोर्स के द्वारा समझा बुझाने से कुछ लोगों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है और बाकी लोग अपने घर चले गए। खबर समय जगत के लिए महोबा से गौरव पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।